हेलो एवरीवन, मेरे चैनल कुकिंग विद बेबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे खीर जो फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। वैसे हम मखाने की खीर बनाएंगे, लेकिन इसमें थोड़े से चावल का भी यूज करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत जल्दी से ही बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि आप भी जानते हैं कल गुरु नानक जयंती है, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पतीला चाहिए होगा खीर बनाने के लिए। ये यहाँ पर गैस ऑन करके मैंने इसे रख दिया है और इसमें हम ये मैं लगभग 800 ml दूध डाल रही हूँ और इसमें 1 लीटर दूध की ये मलाई है, फुल क्रीम दूध है ये, इसी तरह का लेना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये पकते पकते लास्ट में बस इतनी ही रह जाएगी जितनी मैंने दूध की क्वांटिटी बताई। तो यहाँ पर ये 400 ml पानी लिया है मैंने, इसको भी डाल दिया है इसमें। देखिए यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ, बस हम इसमें से एक मुट्ठी चावल लेंगे। इससे क्या है, हमारी खीर को अच्छा सा बेस मिलेगा। और ये बासमती चावल की टूटे हुआ टुकड़ा है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। वैसे खीर के चावल डालते हैं तो ज़्यादा अच्छी बनती है चिकनी सी खीर। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे 4-5 बार और दूध को फुल फ्लेम पर इसी तरह से एक उबाल आने तक गर्म होने देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगे। वैसे तो दोस्तों बहुत से लोग केवल मखाने की ही खीर बनाते हैं खाली, उससे क्या है थोड़ी हमारी खीर को ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा चावल डालने से अच्छा रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जैसे ये 1.25 लीटर लगभग दूध है, तो इसमें बस एक मुट्ठी भर के ही बंधी हुई चावल डालने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि ये चावल अच्छे से गल ना जाए। और दोस्तों चलाने का एकदम ध्यान रखें ताकि नीचे पतीले में ना लग जाए इसी तरह से। और आँच को सिम पे ही रखेंगे एकदम। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस खीर को बनने में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें कि चावल डालने के बाद तुरंत एक बार ज़रूर चलाएं ताकि हमारे चावल नीचे चिपके ना रह जाएं। और बस इसी तरह जल्दी जल्दी 5-5 मिनट पर, हर 5 मिनट पर इसको चलाते रहें। और चमचे में भी ध्यान रखें कि इसमें चावल ना चिपक जाएं, उसको अगर चिपक जाएं तो स्पून वगैरह से हटा दें और बस इसी तरह से इसे पकने दें। बीच बीच में चारों तरफ जो मलाई लग जाती है उसको भी छुड़ाते रहें इसके अंदर इसी तरह से। दोस्तों इसको खुला ही पकाना है जब तक हमारे चावल 80% तक कुक ना हो जाएं, क्योंकि ये ऊपर उबल कर भी आएगी। और खुला पकाने से इसका थोड़ा सा जो हमने पानी डाला है वो भी जलता रहेगा, काफ़ी अच्छा क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा इसमें ऐसा करने से। देखिए हमारे चावल भी कुछ परसेंट तक पक चुके हैं, लगभग 80% तक। ये यहाँ पर मैं रोस्टेड मखाने यूज कर रही हूँ जो मैंने क्रश कर लिए मैम जिस्ते में। पहले इनको हल्का सा घी में भून लिया था सीम आँच पे 4-5 मिनट के लिए। पहले भी मैंने इसको बता रखा है किस तरह से सेकना है इनको, मखाने को किस तरह से भूनना है। बस इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये मैंने यहाँ पर 1 कप मखाने ऐड किए हैं इसमें, ये ड्राई फ्रूट मिले जुले, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो डालिए, डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी खीर। इनको भी बस मखाने के साथ ही ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से इसमें पक जाएं ये भी थोड़ी देर के लिए। और इसी तरह चलाते हुए इसे और पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए जिस कंसिस्टेंसी की हमें चाहिए और चावल अच्छे से ना घुल जाएँ। अभी हमारे चावल एकदम अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए हाफ पे प्लेट ढक देंगे, एकदम बंद भी ना कर दें, नहीं तो आपकी खीर उबल कर बाहर निकल जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। बस इसी तरह से थोड़ी देर और पकाएंगे, बीच बीच में ध्यान रखेंगे और चलाते रहेंगे। इससे क्या है ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। वैसे तो हमारे चावल पूरे 100% तक गल चुके हैं। बस इसी तरह से देखिए इसकी क्वांटिटी भी कम होती जा रही है पकते पकते। देखिए मैंने इसको पूरा, आपने ध्यान दिया होगा, पूरे समय में खीर को सिम आँच पे ही पकाया। बस इस चीज़ का ध्यान रखें, इसी तरह से आपकी खीर एकदम क्रीमी और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट वाली ऐसे ही बनेगी। आप भी इसी तरह से बनाइए। और बस अब हम इस समय पे गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये मैं यहाँ पर 8 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको किस तरह का मीठा रखना है। और अच्छे से मिक्स करेंगे। बस दोस्तों गैस को बंद करने के बाद ही इसमें चीनी वगैरह ऐड करें, नहीं तो फिर इसमें थोड़ा पानी जैसा टेस्ट आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें और इसी तरह से चमचे से बीच बीच में चलाते रहें तब तक कि अच्छे से ठंडी ना हो जाए, नहीं तो इसके ऊपर काफ़ी मोटी सी मलाई की लेयर बन जाएगी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी फिर मिक्स करने में। तो हमारी ये खीर बनकर तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी खीर ये मैंने सर्व कर दी है, एकदम
सुपर टेस्टी और दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है, एकदम क्रीमी। आप भी बनाइए गुरु नानक जयंती पर और मेरे साथ अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए कैसे बनी। वैसे तो मखाने की खीर बनाते हैं ऐसे ही मखाने से, पर एक बार थोड़े से चावल यूज करके इस तरह से भी बना कर देखिए। कोई भी गेस्ट आएंगे तो आपकी तारीफ करे बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर आज ही जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।